आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि सेम अक्षय कुमार जैसी है, हूबहू उसकी डिट्टो कॉपी है। 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज और मैं हूँ आपका मेजबान जवाद बाकर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि सेम अक्षय कुमार जैसी है, हूबहू उसकी डिट्टो कॉपी है। जब इनको मालूम हुआ कि ये अक्षय कुमार जैसे हैं तो फिर इनका कैसे अंदर से फीलिंग आई, इनका रिएक्ट क्या था और ये फिर क्या एक्ट करते हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं रुके बल्कि इनकी सेम आवाज़ भी आपको अक्षय कुमार जैसी सी मिलेगी हमारे इंटरव्यू में। अक्षय कुमार जी, आपको पहली दफ़ा कैसे मालूम हुआ कि आप अक्षय कुमार हैं? जैसे आपको लगा कि मैं अक्षय कुमार हूँ ऐसे ही मुझे किसी ने बताया तो मैंने मान लिया कि शायद हो सकता है कि मैं अक्षय कुमार से मिलता हूँ। आप ये मुझे बताएं कि उनकी जैसी एक्टिंग भी कर लेते हैं आपके? जी, एक्टिंग का तो मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है, ना मैंने कभी इस तरफ ध्यान दिया, तो बस शक्ल मिलती है और ये भी आप जैसे दोस्त या लोग जो उनसे ना वो बताते हैं, तो बाकी और तो मुझे किसी तरफ उनकी यानी कि वो एक्टिंग की तरफ या किसी और दूसरा उसके जैसे काम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप इस शौक़ को लेकर, इसका आपको लगता है कि आप ये शौक़ को आगे लेकर चलेंगे, कोई एक्टिंग वगैरह की तरफ रुझान बन रहा है आपका, कोई जहन बन रहा है या किसी ने बनाने की कोशिश की अब तक? जी, अभी तक तो किसी ने कोशिश नहीं की, अभी तक मेरी अपनी कोशिश है। अच्छा। और मैं, मेरी जो कोशिश है ना वो बड़ी इससे बिल्कुल हटकर है, तो अगर किसी ने कोई ऐसी स्टोरी हो जिस पर मुझे लगे कि इस पर काम करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर मुझे खुदा ने ये तोहफ़ा दिया है तो इसको बिल्कुल मैं ज़ाया ना करूं, बल्कि मैं इसको किसी के लिए यूज़ करूं। अपने लिए तो सब करते हैं बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि मेरा ये किसी सेलिब्रिटी से अगर मेरा कोई शक्ल मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ मेरे में है तो मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों के काम आ सकूँ जो होना चाहिए, जिनके लिए होना चाहिए या कोई नहीं करता, तो मेरी तो फिल वक्त ये सोच है। ये बहुत अच्छी आपकी सोच है कि आप सिर्फ अपने लिए ना करें बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखें। ये आप तो बल्कि एक पैगाम दे रहे हैं लोगों को, एक इतने बड़े यानी कि मुकाम पर आप पहुंच चुके हैं, मालिक पाक ने आपको इतनी इज्जत दे दी है, लोग जब आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, आपके साथ आके वीडियोज़ बनाते हैं, आपके साथ आके टिकटॉक बनाते हैं, कैसा फील करते हैं आप? अजी, बड़ी खुशी होती है। अच्छा, ये तो आपको खुशी तो होती है, चलें ये तो बात मान ली। जब आप खास तौर पर फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ हों, किसी खास जगह पर आप गए हों, सिर्फ उन्हीं के लिए टाइम मुख्तस किया हो, मगर कोई आके फिर आपको कहे एक टिकटॉक, एक वीडियो, एक ये सेल्फी, फिर आपको कैसा फील होता है? देखिए, मैं किसी को मना नहीं करता और ना मुझे बुरा लगता है, और फैमिली में तो वो तो आपको पता है कि बचपन पले बड़े हर चीज़ उनके साथ ही है, उनके साथ तो ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग मेरे साथ टिकटॉक बनाते हैं या वीडियोस बनाते हैं या पिक्चर्स लेते हैं तो मुझे बड़ी खुशी फील होती है कि अल्लाह ने ऐसा क्या मुझ में दिया है कि जो मुझे लगता है कि अगर आप देखें इस टाइम पर मेरे पास आए हैं और ये आपकी बड़ी बात है कि आपने मुझे ढूंढा, मेरे तक पहुंच गए, और मेरी कोशिश है कि मैं कभी किसी को जोन से ना वो मायूस ना करूँ और इंशाल्लाह नहीं करूँगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। और जब से मैं सोशल मीडिया पर वायरल हुआ हूँ तब से उन लोगों को, जिन लोगों के साथ मेरा इतनी ज़िंदगी के इतना हिस्सा गुजर गया, उन लोगों को नहीं पता था, आज वो मुझे फेसबुक पे कोई यूट्यूब पे देखते हैं तो फिर मुझे बताता है कि यार वो अब मैंने आपको देखा है, अब तो आप तो अक्षय कुमार बने। बालों पर कितनी मेहनत करते हैं आप? मैंने किसी चीज़ पर कोई मेहनत नहीं की, मेरी जो बाल हैं जो कुछ भी है ना वो बिल्कुल रियल है, अभी तक मैंने कोई एक टका मैंने अपने ऊपर नहीं लगाया। कंजूसी होने के नाते ये वैसे नहीं लगाया, अक्षय बनने के चक्कर में नहीं लगाया? नहीं, ये तो अब कोई लगाए तो फिर है ना, मैं तो लगा ही लूँगा जितना अब 30-32 साल से मैं लगा रहा हूँ, तो अब अगर जिम्मेदारी कोई उठाए तो फिर मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल 19-20 ना बल्कि
पूरा बीस ही उनके जैसा लगे। ये यानी कि आप में एक होता है फ़र्क, आपको मैं बताता हूँ मेरे मुताबिक एक फ़र्क होता है, जैसे आपने बताया 19-20 का फ़र्क होता है, एक होता है 19-120 का फ़र्क होता है। आप तो सेम टू सेम उनकी हूबहू कॉपी हैं। मुझे ये बताएं कि ये आवाज़ भी बिल्कुल सेम उनकी जैसी, ये कैसे नेचुरल है कि प्रैक्टिस की है? नहीं, बिल्कुल नेचुरल है, मैंने कोई पीछे वॉइस ओवर नहीं चल नहीं, वो तो बिल्कुल लग जाएगा, यानी लिपसिंग नहीं कर रहे आप, बोल रहे हैं नाज़रीन जी। हाँ जी बिल्कुल। तो अब ये खुदा की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है ना, मैं खुदा का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। एडी मलिक जी, आप रियल में अक्षय कुमार को मिलना चाहेंगे कि नहीं मिलना चाहेंगे? देखिए वो एक फनकार है और कौन नहीं चाहता कि किसी फनकार के वो मिले, तो वो मेरा फेवरेट अदाकार है और उनकी मूवीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं क्योंकि उसमें एक्शन होता है, सस्पेंस होता है, एक स्टोरी होती है, और इस लिहाज से मैं उन्हें बड़ा लाइक करता हूँ। अगर वो मुझसे मिलना चाहें या वो मैं तो चाहता हूँ उनसे मिलूँ। अगर वो मिलना चाहते हैं तो? अगर वो मिलना चाहते तो मैं तो हाज़िर हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप भी उनसे मिलना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपके दिल में ख्वाहिश तो है आपकी। उनको कौन सी है उनकी फिल्म है अक्षय कुमार साहब की जो कि आप बारहा मरतबा देख चुके हैं, जिनमें आपको उनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगती है? कुछ होती है ना फिल्में कि इंसान बार बार देखता है, रजदा ही नहीं है यानी कि फिल्म देख देख के। कौन सी उनकी फिल्म है? उनकी फिल्म है जानवर फिल्म है, जो जितनी बार देखी जाए आपको उतना ही मज़ा आएगा। एक उसकी फिल्म है तलाश, ये बड़ी अच्छी फिल्म है। जो मुझे तकरीबन वो काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स हैं उसकी, लेकिन उसकी जो गब्बर फिल्म है ना, उसमें बड़ा एक मैसेज है। आप गौर से अगर देखें या अगर आपने नहीं देखी या देखी है, तो उसमें जो मैसेज है ना, मैं उस मैसेज को देख के ना उस बंदे की अदाकारी, उसकी एक्टिंग पे मुझे और ज़्यादा फ़ख्र होता है कि अल्लाह पाक ने मुझे उस शख्स के जैसा चेहरा अता किया है। ये मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आगे देखें उसका मज़हब क्या है, मैं मज़हब की बात ही नहीं करना चाहता। बिल्कुल सही है, ठीक है जी, क्योंकि उसे भी अल्लाह ने बनाया, मुझे भी अल्लाह ने बनाया। गब्बर का डायलॉग कोई हो जाए? गब्बर का डायलॉग है जी, बड़ा मशहूर, आपने सुना होगा कि 50-50 कोस दूर जब कोई रिश्वत लेता है तो सब कहते हैं मत ले वरना गब्बर आ जाएगा। आज हमारे साथ गब्बर है जी, बहुत शुक्रिया आपका।